हेलो गाइस, आज से हम एक डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं मुख्तलिफ डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा। अगर डेफिनेट इंटीग्रल या इनडेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का जो पहला इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल, वो है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाय थ्री टू माइनस पाई बाय फोर सीकेंट स्केयर टी प्लस पाई ओवर टी स्केयर डी टी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू, जैसा कि इंटीग्रल एक लीनियर ऑपरेटर होता है, तो ये इंटीग्रल अलग अलग इन दोनों फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। फिर कांस्टेंट मल्टीपल जो हैं फंक्शंस के, वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे। तो पहले हम ये इस तरह लिख लेते हैं, फोर इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाय थ्री टू माइनस पाई बाय फोर सीकेंड स्केयर टी डी टी प्लस कांस्टेंट मल्टीपल बाहर आ जाएगा, माइनस पाई बाय थ्री से माइनस पाई बाय फोर इंटीग्रल हमारा वन ओवर टी स्केयर होगा। तो टी स्केयर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी और डी टी। अब आई इज इक्वल टू फोर, अब सीकेंड स्केयर टी किसका डेरिवेटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका सीकेंड स्केयर टी डेरिवेटिव होता है। हम जानते हैं कि डी ओवर डी थीटा टेन थीटा ये इक्वल होता है सीकेंड स्केयर थीटा के, जैसा कि यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि सीकेंड स्केयर थीटा का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो टेन थीटा होगा। तो चुनाचे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेन टी लिमिट फ्रॉम माइनस पाई बाय थ्री से माइनस पाई बाय फोर प्लस पाए, और यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा। पावर रूल कुछ इस तरह होता है, यू एन डी यू ये इक्वल हो जाएगा यू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एन, यहाँ इस केस में हमारे पास माइनस टू है, जब वन ऐड करेंगे तो माइनस वन, और डिनोमिनेटर में भी माइनस वन आ जाएगा, माइनस पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय फोर। आई इज इक्वल टू, अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट अप्लाई करें टेन इंटू माइनस पाई बाय फोर माइनस टेन इंटू माइनस पाई बाय थ्री प्लस पाई माइनस वन ओवर टी माइनस पाई बाय थ्री फ्रॉम माइनस पाई बाय फोर टू माइनस पाई बाय फोर हो जाएगा फ्रॉम माइनस पाई बाय थ्री। आई इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि टेन थीटा जो है वो एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन यानी कि ये जो इसके एंगल के साथ नेगेटिव साइन है ये बाहर आ जाता है। अब हम यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन पाई बाय फोर, यहाँ माइनस साइन बाहर आएगा तो इसे प्लस कर देगा, टेन पाई बाय थ्री ये माइनस साइन बाय ले हैं, माइनस पाए वन ओवर माइनस पाई बाय फोर, अपर लिमिट अप्लाई की तो माइनस आएगा वन ओवर माइनस पाई बाय थ्री, लोअर लिमिट अप्लाई की आई इज इक्वल टू फोर, टेन पाई बाय फोर होता है माइनस वन के प्लस,
tan पाई बाय थ्री होता है 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस पाई। अब ये डिनोमिनेटर में हमारे पास पाई बाय फोर है, लिहाजा फोर ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, फोर ओवर पाई। ये माइनस साइन इस माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ थ्री ओवर पाई आ जाएगा हमारे पास। आई इज इक्वल टू फोर अंडर रूट थ्री माइनस वन माइनस पाई, एलसीएम लेंगे हम तो पाई आएगा और माइनस फोर प्लस थ्री आ जाएगा। चुनाचे हमारे पास आई इज इक्वल टू फोर इंटू अंडर रूट थ्री माइनस वन, और हमारे पास यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस पाई, सॉरी पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन होगा, और माइनस वन इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस वन हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा। आई इज इक्वल टू फोर अंडर रूट थ्री माइनस फोर प्लस वन, आई इज इक्वल टू फोर अंडर रूट थ्री माइनस थ्री। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया डेफिनेट इंटीग्रल का। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।